हेलो नमस्कार साथियों, मैं आप सबका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप केपीजे स्टार अपडेट चैनल में। आज की बात करने वाला यहाँ पे जेकेपी पुलिस भर्ती 2022 के बारे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लड़कियों के यहाँ पे फिजिकल चल रहा है, यानी कि जो लड़कियों की यहाँ पे रनिंग चल रही है, किस लड़की का यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है रनिंग में, और किस लड़की का कौन सी लड़की यहाँ पे क्वालिफाई है और कौन सी लड़की यहाँ पे डिसक्वालीफाई है। तो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे अपना जो यहाँ पे रनिंग का टाइम है वो यहाँ पे चेक करें, कैसे चेक करें कि आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे कैसा है, यानी कि आप क्वालिफाई हैं या डिसक्वालीफाई हैं, पूरी आपको जानकारी दूंगा ताकि आप अपने घर बैठे अपने फोन से यहाँ पे अपना जो रनिंग का टाइम है वो यहाँ पे चेक कर सको, अपने घर वालों को यहाँ पे दिखा सको, और यहाँ पे ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे क्वालिफाई है और कौन यहाँ पे डिसक्वालीफाई है, और दूसरा आपकी हाइट कितनी है वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप ज्यादा देरी ना करते हुए सीधे आपको यहाँ पे दिखाते हैं, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। देखिए, आप सबने अपना जो गूगल है वो यहाँ पे खोल लेना है और आपने यहाँ पे रिसर्च करना है गूगल खोल के, चाहे आप क्रोम ब्राउजर खोलो, गूगल खोलो, कुछ भी यहाँ पे खोलो, आपको क्या रिसर्च करना है, जेकेपी, ठीक है, जेकेपी पुलिस देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा जेकेपी पुलिस। तो जेकेपी पुलिस यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो नीचे की तरफ आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोटिस, ठीक है, तो नोटिस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। तो इसके सामने यहाँ पे तीन लाइनें यहाँ पे दी गई हैं, जहाँ पे रेड कलर का एक डिब्बा बना हुआ है, वाइट कलर की तीन लाइनें यहाँ पे बीच में दी गई हैं, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक्स का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नीचे की तरफ आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखा है नोटिफिकेशन न्यूज, ठीक है, इवेंट्स, ठीक है, पब्लिक पब्लिक सर्विस, तो यहाँ पे लिखा गया है। तो मैं वापस यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, गायब हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नोटिस एडमिट कार्ड, ठीक है, तो नोटिस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग फॉर PST PET टू बॉर्डर बटालियन, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर PET PST रिजल्ट, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप रिजल्ट पे यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके सामने जिन लड़कियों की यहाँ पे 20 तारीख को रनिंग हुई है उनका यहाँ पे बायोडाटा आ गया, 21 को जिनकी हुई है उनका बायोडाटा आ गया, 22 को 23 को सबका बायोडाटा आ गया, ठीक है। मान के चलिए आपकी रनिंग अगर 20 तारीख को हुई है तो आप 20 पे क्लिक करिए, 21 को हुई है तो आप 21 को क्लिक करिए, 22 को हुई है तो 22 को क्लिक करिए, 23 को हुई है तो 23 को क्लिक करिए। इसके बाद जैसे जैसे आपके दिन यहाँ पे आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पे अपलोड होता रहेगा। जैसे कि मान के चलिए किसी लड़की की यहाँ पे रनिंग 20 तारीख को हुई है, तो मैं 20 पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे 20 पे क्लिक किया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड हो गया तो ओपन करना है हमें। जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं, देख लीजिए, जैसे हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे पूरा आपका जो बायोडाटा है वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया गया है, चेस्ट नंबर आपका दिया गया है, कैंडिडेट नेम यहाँ पे दिया गया है, रेस नेट टाइम आपका दिया गया है, लैब्स आपके दिए गए हैं, फर्स्ट लैब में यानी कि एक चक्कर में आपका कितना टाइम लगा, दूसरे चक्कर में आपका कितना लगा, तीसरे चक्कर में आपका कितना टाइम लगा, चौथे चक्कर में आपका कितना टाइम लगा, रिजल्ट आपका क्या रहा रनिंग का, क्वालिफाइड यहाँ पे तो सभी क्वालिफाइड है यार, लड़कियां बहुत तेज हैं, देखिए सभी लड़कियां यहाँ पे क्वालिफाइड है, सभी लड़कियों ने यहाँ पे रनिंग पास की हुई है। हाइट आपकी कितनी है वो यहाँ पे दी गई है, आप सभी लड़कियां यहाँ पे देख सकती हैं। PST रिजल्ट यानी कि कुछ लड़कियां देखिए रनिंग में सभी पास है, लेकिन हाइट में कुछ लड़कियां यहाँ पे जहाँ पे रह गई हैं आप सभी देख सकती हैं। शॉर्टपुट में यहाँ पे बताया गया कि आपका क्या रिजल्ट रहा, शॉर्टपुट आपने कितने दूर फेंका वो यहाँ पे बताया गया है, शॉर्टपुट आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लिखा गया है, नॉट यहाँ पे क्वालिफाइड जो हुए हैं वो भी यहाँ पे लिखे गए हैं, जो क्वालिफाइड हुए हैं वो भी लिखे गए हैं। फाइनल आपका रिजल्ट क्या रहा देख लीजिए, नॉट क्वालिफाइड तीन लड़कियां इस लिस्ट में जो नॉट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, देख सकती हैं आप, तो बाकी क्वालिफाइड हैं। नीचे पूरी लिस्ट दी गई है, आपका नाम दिया गया है, पूरा बायोडाटा आप घर बैठे चेक कर सकती हैं, सभी लड़कियां अपने घर वालों को दिखा सकती हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने घर में दिखाना चाहती कि हमने कैसे रनिंग की, हमारा रनिंग का टाइम कितना आया, हमारी हाइट कितनी रही, हमने शॉर्ट पुट कितना फेंका, तो
तो काफ़ी खुशी होती है इस चीज़ की जब भी यहाँ पे कोई लड़की यहाँ पे खासकर यहाँ पे फिजिकल पास करती है, क्योंकि लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी लड़कियाँ मेहनत करके यहाँ पे आगे पहुँचती हैं। तो आपको बता दूं लड़कियों को काफ़ी यहाँ पे लड़कियों के अंदर भी काफ़ी जज्बा होता है देश सेवा करने का और जॉब करने का। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी जो लड़कियाँ हैं उन्होंने यहाँ पे क्वालिफाइड किया है, और जो लड़कियाँ यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड यानी कि जो क्वालिफाई नहीं हो पाई हैं, तो उन्होंने अपना दिल छोटा नहीं करना है, मेहनत करनी है लाइफ में। देखिए ठोकरें लगती हैं, जब इंसान गिरता है ना तभी उसको उठने का पता चलता है। और मैं आपको बता दूं लाइफ में ये सब चलता रहता है, ठीक है। आपको बता दूं क्या पता आपकी इस बार यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई है, नेक्स्ट टाइम आपकी हो जाए, इसलिए आपको मेहनत करनी है। जब तक आपको मंजिल ना मिले, जब तक आपका जो सपना है, आपका जो ड्रीम है वो पूरा ना हो, तब तक आपने अपनी जो मेहनत है वो यहाँ पे नहीं छोड़नी है। क्योंकि लाइफ में अगर आप मेहनत करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं करनी है। बाकी जिन लड़कियों की हाइट कम है उनके लिए भी यहाँ पे मैं अपने चैनल पे यहाँ पे वीडियोस डालता रहता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जिनमें हाइट नहीं मांगी जाती है, सभी लड़कियाँ यहाँ पे मेरी वीडियो देखा करिए, ताकि जब भी कोई नई जॉब्स निकले ले उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती रहे। तो बाकी आपने कैसे यहाँ पे लिस्ट डाउनलोड करनी है मैंने सभी लड़कियों को यहाँ पे बता दिया है। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकती हैं। अगर आप इसी तरह नई से नई जानकारी पाना चाहते हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी न्यू से न्यू जॉब की जानकारी पाना चाहती हैं, जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ी नई से नई भर्तियों की जानकारी पाना चाहती हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।